पहले साईं के चरणों में अपना शीश नवाऊं मैं, पहले साईं के चरणों में अपना शीश नवाऊं मैं, कैसे शिरडी साईं आए सारा हाल सुनाऊं मैं। कौन है माता पिता कौन है यह न किसी ने भी जाना, कहाँ जन्म साईं ने धारा प्रश्न पहेली रहा बना। कोई कहे अयोध्या के ये रामचंद्र भगवान है, कोई कहता साईं बाबा पवन पुत्र हनुमान है, पवन पुत्र हनुमान है। कोई कहता मंगल मूर्ति श्री गजानन है साईं, श्री गजानन है साईं, श्री गजानन है साईं। कोई कहता गोकुल मोहन देव की नंदन है साईं, देव की नंदन है साईं। शंकर समझ भक्त कई तो बाबा को भजते रहते, बाबा को भजते रहते, बाबा को भजते रहते। कोई कहे अवतार दत्त का पूजा साईं की करते, पूजा साईं की करते। कुछ भी मानो उनको तुम पर साईं है सच्चे भगवान, बड़े दयालु दीन बंधु है कितनों को दिया जीवन दान, कितनों को दिया जीवन दान। कई बरस पहले की घटना तुम्हें सुनाऊंगा मैं बात, किसी भाग्यशाली की शिरडी में आई थी बारात, आया साथ उसी के था बालक एक बहुत सुंदर, आया कर वहीं बस गया पावन शिरडी किया नगर, पावन शिरडी किया नगर। कई दिनों तक रहा भटकता भिक्षा मांगी उसने दर दर, और दिखाई ऐसी लीला जग में जो हो गई अमर, जग में जो हो गई अमर। जैसे जैसे उम्र बढ़ी बढ़ती ही वैसे गई शान, घर घर होने लगा नगर में साईं बाबा का गुणगान, साईं बाबा का गुणगान। दिग दिगंध में लगा गूंजने फिर तो साईं जी का नाम, दीन दुखी की रक्षा करना यही रहा बाबा का काम, यही रहा बाबा का काम। बाबा के चरणों में जाकर जो कहता मैं हूँ निर्धन, दया उसी पर होती उनके खुल जाते दुख के बंधन, खुल जाते दुख के बंधन। कभी किसी ने मांगी भिक्षा दो बाबा मुझको संतान, एवं अस्तु कहकर साईं देते थे उसको वरदान, देते थे उसको वरदान। स्वयं दुखी बाबा हो जाते दीन दुखी जन का रखहाल, अंतःकरण श्री साईं का सागर जैसा रहा विशाल, सागर जैसा रहा विशाल। भक्त
वक्त एक मद्रासी आया, घर का बहुत बड़ा धनवान। माल खजाना बेहद उसका, केवल नहीं रही संतान। लगा मनाने साईं नाथ को, बाबा मुझ पर दया करो। झंझा से झंकृत नैया को तुम ही मेरी पार करो। कुलदीपक के बिना अंधेरा छाया हुआ है घर में मेरे, इसीलिए आया हूँ बाबा होकर शरणागत तोरे। कुलदीपक के रे अभाव में व्यर्थ है दौलत की माया। आज भिखारी बनकर बाबा शरण तुम्हारी मैं आया। दे दो मुझको पुत्र दान में, ऋणी रहूंगा जीवन भर। और किसी की आस न मुझको, सिर्फ भरोसा है तुम पर। अनुनय विनय बहुत की उसने, चरणों में धर कर के शीश। तब प्रसन्न होकर बाबा ने दिया भक्त को आशीष। अल्लाह भला करेगा तेरा, पुत्र जन्म हो तेरे घर। कृपा रहेगी तुम पर मेरी और तेरे उस बालक पर, और तेरे उस बालक पर। तक नहीं किसी ने पाया साईं की कृपा का पार। पुत्र रत्न दे मद्रासी को, धन्य किया उसका संसार। तन मन से जो भजे उसी का, जग में होता है उद्धार। साँच कवाच नहीं है कोई, सदा झूठ की होती हार। मैं हूँ सदा सहारे उसके, सदा रहूँगा उसका दास। साईं जैसा प्रभु मिला है, इतनी ही कम क्या है आस। मेरा भी दिन था एक ऐसा, मिलती नहीं थी मुझे भी रोटी। तन पर कपड़ा दूर रहा था, शेष रही नन्ही सी लंगोटी। सरिता सन्मुख होने पर भी मैं प्यासा का प्यासा था। दुर्दिन मेरा मेरे ऊपर दावग्नि बरसाता था। धरती के अतिरिक्त जगत में मेरा कुछ अवलंबन ना था। बना भिखारी मैं दुनिया में, दर दर ठोकर खाता था। ऐसे में एक मित्र मिला जो परम भक्त साईं का था। जंजालों से मुक्त मगर इस जगती में मुझ जैसा था। बाबा के दर्शन की खातिर मिल दोनों ने किया विचार। साई जैसे दया मूर्ति के दर्शन को हो गए तैयार। आवन शिरडी नगरी में जाकर देखी मतवाली मूरत। धन्य जन्म हो गया कि हमने जब देखी साई की सूरत। जब से किए है दर्शन हमने, दुख सारा काफूर हो गया। संकट सारे मिटे और विपदाओं का अंत हो गया। मान और सम्मान मिला भिक्षा में हमको बाबा से। प्रतिबिंबित हो उठे जगत में हम साई की आभा से। बाबा ने सम्मान दिया है, मान दिया इस जीवन ने। इसका ही संभल ले मैं, हंसता जाऊंगा जीवन में, हंसता जाऊंगा जीवन में। साई की लीला का मेरे मन पर ऐसे असर हुआ। लगता जगती के कण कण में जैसे हो वो भरा हुआ। लगता जगती के कण कण में जैसे हो वो भरा हुआ।
काशी राम बाबा का भक्त इस शिरडी में रहता था। मैं साईं का साईं मेरा वो दुनिया से कहता था। सीकर स्वयं वस्त्र बेचता ग्राम नगर बाजारों में, झंकृत उसकी हृदय तंत्री थी साईं के झनकारों से, साईं के झनकारों से, साईं के झनकारों से। तब निशा थे सोए रजनी आंचल में चांद सितारे, कहीं सूझता रहा हाथ का हाथ तिमिर के मारे। वस्त्र बेच कर लौट रहा था हाय हाट से काशी, विचित्र बड़ा संयोग के उस दिन आता था वो एकाकी। घेर राह में खड़े हो गए उसे कुटिल अन्यायी, मारो काटो लूटो इसकी ही ध्वनि पड़ी सुनाई। लूट पीट कर उसे वहां से कुटिल हो गए चंपत, आघातों से मर्माहत हो उसने दी संज्ञा को। बहुत देर तक पड़ा रहा वह वहां उसी हालत में, जाने कब कुछ होश हो उठा उसको किसी पलक में। अनजाने ही उसके मुंह से निकल पड़ा था साईं, जिसकी प्रतिध्वनि शिरडी में बाबा को पड़ी सुनाई। उठा हो मानस उनका बाबा गए विकल हो, लगता जैसे घटना सारी घटी उन्हीं के सन्मुख हो। उन्मादी से इधर उधर तब बाबा लगे भटकने, सन्मुख चीजें जो भी आई उनको लगे पटकने। और धधकते अंगारों में बाबा ने कर डाला, हुए शशंकित सभी वहां देख तांडव नृत्य निराला। समझ गए सब लोग कि कोई भक्त पड़ा संकट में, क्षुभित खड़े थे सभी वहां पर पड़े हुए विस्मय में। उसे बचाने की खातिर बाबा आज विकल है, उसकी ही पीड़ा से पीड़ित उनका अंतस्थल है। इतने में ही विधि ने अपनी विचित्रता दिखलाई, देख कर जिसको जनता की श्रद्धा सरिता लहराई, श्रद्धा सरिता लहराई। लेकर संज्ञाहीन भक्त को गाड़ी एक वहां आई, सन्मुख अपने देख भक्त को साईं की आंखें भर आई। शांत धीर गंभीर सिंधु सा बाबा का अंतस्थल, आज न जाने क्यों रह रह कर हो जाता था चंचल। आज दया की मूर्ति स्वयं था बना हुआ उपचारी, और भक्त के लिए आज था देव बना प्रतिहारी। आज भक्त की विषम परीक्षा में सफल हुआ था काशी, उसके ही दर्शन के खातिर थे उमड़े नगर निवासी। जब भी और जहां भी कोई भक्त पड़े संकट में, उसकी रक्षा करने बाबा जाते हैं पल भर में। युग युग का है सत्य यह नहीं कोई कहानी, आपतग्रस्त भक्त जब होता जाते खुद अंतर्यामी। भेदभाव से परे पुजारी मानवता के थे साईं, जितने प्यार हिंदू मुस्लिम उतने ही थे सिख ईसाई। भेदभाव मंदिर मस्जिद का तोड़ फोड़ बाबा ने डाला, राम रहीम सभी उनके थे कृष्ण करीम अल्लाह ताला। घंटे की प्रतिध्वनि से गूंजा मस्जिद का कोना कोना, मिले परस्पर हिंदू मुस्लिम प्यार बड़ा।
पड़ा दिन दिन दूना। चमत्कार था कितना सुंदर परिचय इस काया ने दी। और नीम के कड़वाहट में भी मिठास बाबा ने भर दी। सबको स्नेह दिया साई ने, सबको संतुल प्यार दिया। जो कुछ जिसने भी चाहा बाबा ने उसको वही दिया। ऐसे स्नेहशील भाजन का नाम सदा जो जपा करे, पर्वत जैसा दुख ना क्यों हो पल भर में वह दूर टरे। साई जैसा दाता हमने अरे नहीं देखा कोई, जिसके केवल दर्शन से ही सारी विपदा दूर गई। तन में साई मन में साई 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 भजा करो, अपने तन की सुधि बुद्धि खोकर सुधि उसी की किया करो। जब तू अपनी सुधियां तज कर बाबा की सुध किया करेगा, और रात दिन बाबा 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 ही तू रटा करेगा। बाबा ही तू रटा करेगा, बाबा ही तू रटा करेगा। तो बाबा को अरे विवश हो, सुधि तेरी लेनी ही होगी। तेरी हर इच्छा बाबा को पूरी ही करनी होगी। जंगल जंगल भटकना पागल और ढूंढने बाबा को, एक जगह केवल शिरडी में तू पाएगा बाबा को। धन्य जगत में प्राणी है वह जिसने बाबा को पाया। दुख में सुख में प्रहर आठ हो साई का ही गुण गाया। गिरे संकटों के पर्वत चाहे बिजली ही टूट पड़े, साई काले नाम सदा तुम सन्मुख सबके रहो अड़े। इस बूढ़े की सुन करामात तुम हो जाओगे हैरान। दंग रह गए सुनकर जिसको जाने कितने चतुर सुजान। एक बार शिरडी में साधु ढोंगी था कोई आया, भोली भाली नगर निवासी जनता को था भरमाया। जड़ी बूटियां उन्हें दिखाकर करने लगा वहां भाषण, कहने लगा सुनो श्रोतागण घर मेरा है वृंदावन। औषधि मेरे पास एक है और अजब इसमें शक्ति, इसके सेवन करने से ही हो जाती दुख से मुक्ति। अगर मुक्त होना चाहो तुम संकट से बीमारी से, तो है मेरा नम्र निवेदन हर नर से हर नारी से। लो खरीद तुम इसको, इसकी सेवन विधियां है न्यारी। यद्यपि तुच्छ वस्तु है यह गुण उसके है अतिशय भारी। जो है संततिहीन यहाँ यदि मेरी औषधि को खाए, पुत्र रत्न हो प्राप्त अरे और वो मुँह मांगा फल पाए। औषध मेरी जो न खरीदे जीवन भर पछताएगा, मुझ जैसा प्राणी शायद ही अरे यहाँ आ पाएगा। दुनिया दो दिन का मेला है, मौज शौक तुम भी कर लो। अगर इससे मिलता है सब कुछ तुम भी इसको ले लो। हैरानी बढ़ती जनता की देख इसकी कारस्तानी, प्रमुदित वह भी मन ही मन था देख के लोगों की नादानी। खबर सुनाने बाबा को यह गया दौड़ कर सेवक एक, सुनकर भुकटी तनी और विस्मरण हो गया सभी विवेक। हुक्म दिया सेवक को सत्वर पकड़ दुष्ट को लाओ, या शिरडी की सीमा से ही कपटी को दूर भगाओ। मेरे रहते भोली भाले शिरडी की जनता को, कौन नीच ऐसा जो साहस करता है छलने को। पल भर में ही ऐसे ढोंगी कपटी नीच लुटेरे को, महानाश के महा
गर्त में पहुंचा दूं जीवन भर को। तनक मिला आस मदारी क्रूर कुटिल अन्यायी को। काल नाचता है अब सिर पर गुस्सा आया साई को। पल भर में सब खेल बंद कर भागा सिर पर रखकर पैर। सोच रहा था मन ही मन भगवान नहीं है क्या अब खैर। सच है साई जैसा दानी मिल न सकेगा जग में। अंश ईश का साई बाबा उन्हें न कुछ भी मुश्किल जग में। स्नेहशील सौजन्य आदि का आभूषण धारण कर बढ़ता इस दुनिया में जो भी मानव सेवा के पथ पर। वही जीत लेता है जगति के जन जन का अंतस्थल। उसकी एक उदासी ही जग को कर देती है विहल। जब जब जग में भार पाप का बढ़ बढ़ हो जाता है उसे मिटाने की खातिर अवतारी हो आता है। पाप और अन्याय सभी कुछ इस जगती का हर के दूर भगा देता दुनिया के दानव को क्षण भर में। स्नेह सुधा की धार बरसने लगती है दुनिया में। गले परस्पर मिलने लगते जन जन है आपस में। ऐसे ही अवतारी साई मृत्यु लोक में आकर समता का यह पाठ पढ़ाया सबको अपना आप मिटाकर। नाम द्वार का मस्जिद का रखा शिरडी में साई ने। ताप ताप संताप मिटाया जो कुछ आया साई ने। सदा याद में मस्त राम की बैठे रहते हे साई। प्रहर आठ ही राम नाम का बजते रहते थे साईं। रूखी सूखी ताजी बासी चाहे या होवे पकवान। सदा प्यार के भूखे साईं के खातिर थे सभी समान। स्नेह और श्रद्धा से अपने जन जो कुछ दे जाते थे बड़े चाव से उस भोजन को बाबा पावन करते थे। कभी कभी मन बहला आने को बाबा बाग में जाते थे। प्रमुदित मन में निरख प्रकृति छटा को वो होते थे। रंग बिरंगे पुष्प बाग के मंद मंद हिलडुल करके बीहड़ वीराने मन में भी स्नेह सलिल भर जाते थे। ऐसी सुमधर बेला में भी दुख आपत विपदा के मारे अपने मन की व्यथा सुनाने जन रहते बाबा को घेरे। सुनकर जिनकी करुण कथा को नयन कमल भर आते थे। देवी भूति हर व्यथा शांति उनके उर में भर देते थे। जाने क्या अद्भुत शक्ति उस विभूति में होती थी जो धारण करते मस्तक पर दुख सारा हर लेती थी। धन्य मनुज वे साक्षात दर्शन जो बाबा साईं के पाए। धन्य कमल कर उनके जिनसे चरण कमल वे परसाए। काश निर्भय तुमको भी साक्षात साई मिल जाता। बरसों से उजड़ा चमन अपना फिर से आज खिल जाता। घर पकड़ता मैं चरण श्री के नहीं छोड़ता उम्र भर। घर पकड़ता मैं चरण श्री के नहीं छोड़ता उम्र भर। मना लेता मैं जरूर उनको घर रूठते साई मुझ पर। घर रूठते साई मुझ पर। घर रूठते साई मुझ पर।